केंद्र की सरकार और भाजपा ने ठान लिया है कि जनता हमारे जेब में है। भाषण देकर लोगों को उत्तेजित करके वोट लेने की कोशिश। जिन 5 राज्यों में चुनाव है उनमें भाजपा उपचुनाव में लगातार पिछड़ रही है, क्योंकि महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगार त्राही त्राही कर रही है। ये सब कहते पाए गए सचिन पायलट। मगर 5 राज्यों में असम की बात की जाए तो यह तो भाजपा और उनकी अलायंस पार्टी ने जीता है। लेफ्टिनेंट सचिन पायलट राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे हैं। 14 जुलाई को पिछले कुछ दिनों से चल रही राजनीतिक उठापटक के बाद उन्हें इस पद से हटा दिया गया। हाँ, अब सुनिए सचिन पायलट की पूरी बात। 5 राज्यों के चुनाव हैं, उसमें जो बाई इलेक्शन में, चाहे कर्नाटक हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे राजस्थान हो, बीजेपी लगातार पिछड़ रही है, क्योंकि महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगार त्राई त्राई कर रहे हैं, किसान आज आंदोलन पर बैठे हुए हैं और देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। केंद्र की सरकार और भाजपा ने ठान लिया है कि जनता हमारी जेब में है, वोट हमारे पास है, वो ध्रुवीकरण कर भाषण देकर लोगों को उत्तेजित कर वोट लेने की सोचते हैं, लेकिन काट की आंटी बार बार नहीं चढ़ती है। पूरे देश में आज भाजपा के खिलाफ माहौल बन चुका है और मुझे लगता है कि कांग्रेस ही वो विकल्प है। देश में राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी भाजपा को चुनौती दे सकती है तो सिर्फ कांग्रेस दे सकती है। इसलिए हम सबको मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी, जनता तक जाना पड़ेगा और उसकी शुरुआत बाई इलेक्शन में हुई है। आगे 5 राज्यों के चुनाव है, वहां पे हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे और लगातार आप देखिएगा कि भाजपा का ग्राफ बढ़ता जाएगा और कांग्रेस और हमारे सहयोगी दल आगे बढ़ेंगे। 5 राज्यों के चुनाव हैं, उसमें जो बाई इलेक्शन में, चाहे कर्नाटक हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे राजस्थान हो, बीजेपी लगातार पिछड़ रही है, क्योंकि महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगार त्राई त्राई कर रहे हैं, किसान आज आंदोलन पर बैठे हुए हैं और देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। केंद्र की सरकार और भाजपा ने ठान लिया है कि जनता हमारी जेब में है, वोट हमारे पास है, वो ध्रुवीकरण कर भाषण देकर लोगों को उत्तेजित कर वोट लेने की सोचते हैं, लेकिन काट की आंटी बार बार नहीं चढ़ती है। पूरे देश में आज भाजपा के खिलाफ माहौल बन चुका है और मुझे लगता है कि कांग्रेस ही वो विकल्प है। देश में राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी भाजपा को चुनौती दे सकती है तो सिर्फ कांग्रेस दे सकती है। इसलिए हम सबको मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी, जनता तक जाना पड़ेगा और उसकी शुरुआत बाई इलेक्शन में हुई है। आगे 5 राज्यों के चुनाव है, वहां पे हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे और लगातार आप देखिएगा कि भाजपा का ग्राफ बढ़ता जाएगा और कांग्रेस और हमारे सहयोगी दल आगे बढ़ेंगे।